गाइस, अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है जन्नत। और अभी हमको जाना है वो वाले झरने पे, सबसे बड़ा, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके नहाएंगे हम। सो गाइस, मैं यहाँ तो मैं तो चढ़ गया हूँ, ये लोग देखते चढ़ पाते है कि नहीं, इनके बस की है कि नहीं। मुझे पता है नहीं चढ़ पाएंगे, मुझे पक्का पता है। तो गाइस, यहाँ का नज़ारा देखो, आते ही आपको कितना शानदार नज़ारा मिलने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं भोपाल की बेहद ही खूबसूरत जगह पे, क्योंकि भाई अभी पानी गिर रहा है दो दिन से, तो भाई मज़ा आने वाला है। मानसून वाली जगह है जिसका नाम है छोटा पचमढ़ी। में लास्ट ईयर भी गया था, आपने ब्लॉग देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है भाई भोपाल में वो भी। तो चलते हैं, यहाँ से कितना 35 किलोमीटर दूर है हलाली ड्रेन, हमको जाना है सबसे पहले। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ कितना पानी अभी है, और उससे जस्ट 2-3 किलोमीटर आगे छोटा पचमढ़ी, तो वहाँ जाना है। तो अभी मैं निकलता हूँ, मैंने बैग वगैरह ले लिया है, जिससे मेरे कुछ कपड़े वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ मस्त झरना गिरता है और यहाँ हम नहाने भी वाले हैं। तो ऑलरेडी आप देखोगे आगे चल के, तो अभी चलते हैं दोस्त के पास, क्योंकि अब भाई मैं जा रहा हूँ अकेले तो नहीं जाऊँगा, तो कुछ दोस्त भी है, तो अभी चलते हैं दोस्त को उठाते हैं और फिर निकलते हैं रास्ते में आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, ये रहा हमारा दोस्त, ठीक है। अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? आज अपन लोग जा रहे हैं कहाँ, हलाली डैम छोटा पचमढ़ी, विजिट करते हैं, देखते हैं क्या मज़ा है वहाँ पे। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, भाई ये हमारी गाड़ी, तो चलते हैं और आपको बताते हैं रास्ते में आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो और हम लोग कैसे जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं आधे रास्ते में, और अभी यहाँ पे है कर्क रेखा, तो देख सकते हो भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और दोस्त लोग आ गए, चलो इनसे मिलवाता हूँ। ये लोग बाद में आए थे, तो वहाँ मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो भाई से मिलते हैं। ये किए भाई, मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा फोटो वोटो खींचते हैं यहाँ पे, और फिर हम चलते हैं आगे, अभी असली मज़े तो बाकी है। और अब आओ तो रास्ते में यहाँ मस्त रुक के फोटो शूट कर सकते हो भाई, अरे चलो। गाइस यहाँ तक आना है, और ऊपर बोर्ड लगा है हलाली, वहाँ ऊपर कुछ लगा है, तो यहाँ से हमको मुड़ना है लेफ्ट, ये चौराहा है। बहकी सभी जुबां है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर। तो गाइस हलाली हम आ चुके हैं, और भाई 4-5 किलोमीटर है, देख लेंगे पैदल चल देंगे। और ये ब्रिज जो बना था यहाँ बंद है, दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं नीचे वाले से, कच्चा वाला, उसके बगल में झरना यही है क्या, वो वाला बंद कर बंदर है, बंदर है अंदर, कमरे अंदर भाई बहुत सारे बंदर हैं। ये गया आईफोन आज मेरा, वो मेरा अंदर रख दे भाई आईफोन गया आज। अरे चलो ना यार, कस के पकड़ो बंदर, बच्चे हैं भाई वो तो बंदर हो गए। भाई आगे बहुत सारे बंद, अबे भाई तो इस बार पानी नहीं गिरा भोपाल में, आधा से आधा खाली है भाई, तो पानी कितना सा है इसमें देखना, पूरा सब दिख रहा है क्लियर क्लियर। भाई यहाँ देख सकते हो नया डैम बन रहा है, नहीं डैम बना है मतलब डैम के गेट बन रहे हैं, पहले यहाँ पे गेट नहीं थे, ये वाला पूरा नया इलाका बन रहा है। तो भाई इस बार जहाँ से क्या बोलते हैं उसको, वो जो डल रहा है, क्या डल रहा है, वहाँ से सीधे सीधे आ जाना अगर इस वीडियो को देख के आ रहे हो तो, और सीधे सीधे आके एक टावर मिलेगा ये तगड़ा वाला SS, यहाँ से राइट लेना है, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है छोटा पचमढ़ी। अब ये सब यहीं आएंगे इस बार घूमने हैं। तो हाँ भाई देखो ना कुछ नहीं पा रही, रुक जाओ भाई कुछ पाने दो। तो भाई भाई रुको ना, तो यहाँ से देख सकते हो भाई, भाई अरे रुक तो जाओ, ये बोर्ड है यहाँ से, और ये बना यहाँ से राइट लेना उस साइड। गूगल मैप लगा के नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते, ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना मैप को। और गाइस वो लोग पता नहीं कहाँ रह गए, 10 मिनट हो गए हैं, पूरा जंगल जंगल है, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं, अभी देखो पीछे अभी तक भी नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं वापस से जाएं उनको लेने, अभी क्योंकि जंगल है गाइस, डर लग रहा है उन लोगों को, तो हम तो आ गए क्योंकि हम पहले भी आए थे यहाँ पे, और भाई आगे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं हम लोग, तो वो लोग पता नहीं कहाँ रह गए, लेकिन वेट करते हैं थोड़ा सा कब तक आएंगे वो, और यहीं पे रुकते हैं अभी हम, फिर चलते हैं। भाई आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, तो फाइनली आ गए, चल जल्दी। सो गाइस यहाँ देखो कितनी सारी गाड़ी है, और भाई लोग हम सब आ चुके हैं, लॉक कर दी
वो कपड़े चड्डी में अंदर निकाल लो, कुछ ला ही नहीं पाए। बढ़िया। सो गाइस यहाँ का नज़ारा देखो, आते ही आपको कितना शानदार नज़ारा मिलने वाला है। और भाई लोग अपने नहा रहे हैं यहाँ पे। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना। गाइस यहाँ देखो मस्त वाला सीन चल रहा है, मस्त आ सकते हो नहा सकते हो विद फैमिली। अभी अभी तो चल दो भाई, कूदते हैं, आ जा कूद जा। गाइस यहाँ का जो पानी है एकदम साफ साफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदा पानी नहीं है यहाँ, पूरा साफ आता है जंगलों से। और अभी हमको जाना है वो वाले झरने पे सबसे बड़ा, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके नहाएंगे हम। मजा तो वहाँ है मेरी जान। ये देखो भाई छुप छुपाए ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए हम न आए, आए आए हम न आए, ऐसे जी छुप छुपाए ऐसे जी हम न पाए। गाइस हम थोड़ा सा रुके और अभी चलते हैं वहाँ पे जो बड़ा वाला झरना आपको पीछे दिख रहा होगा, मस्त जगह है। तो बस वहाँ लड़के जा सकते हैं, लड़कियाँ भी जा रही हैं लेकिन जा सकते हो अगर दम है तो, क्योंकि ट्रेकिंग है बहुत भयंकर वाली वहाँ पे, पहाड़ पे से चढ़ नीचे आना पड़ेगा और कोई सेफ्टी नहीं है, अपने रिस्क पे जा सकते हो। बाकी मैं चल के आपको वहाँ से दिखाता हूँ। और अदरवाइज यहाँ पे आके नहा सकते हो, यहाँ आंटी अंकल सब नहा रहे हैं, मस्त जगह है और यहाँ पे आराम से आ सकते हो। थोड़ा सा घूम के जाना है, मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। बाकी फोटोशूट के लिए एक नंबर जगह है। मस्त, ये देखो भाई लोग जगह जगह पे नहा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है जन्नत। तो देखते हैं अब पीछे, जैसे ही मैं कैमरा पलटाऊंगा बहुत तगड़ी चीज दिखने वाली है, तो चलते हैं। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो तो नीचे हमको जाना है अभी, और नीचे है पूरा तालाब। और भाई बढ़िया, चलते हैं नीचे वहाँ तक। पानी गंदा हो गया, पानी साफ है भाई पूरा, चलो नीचे चले। तो भाई ये भाई कूदने वाला है नीचे। वो शैम्पू लगा के कूदेगा। तो भाई वो कूदेगा भाई, अब हम रेडी है नीचे जाने के लिए भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो चलते हैं नीचे भाई, अम्मी नहाएंगे और दिखाते हैं आपको। भाई इस बार के रास्ते बहुत खतरनाक हैं, देख सकते हो बहुत तेज झाड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। मेरी मम्मी ने बोला था झाड़ियों में से मत जाना, और झाड़ी से ही रास्ता है यहाँ पे। और झाड़ी से निकल के एक खूबसूरत नज़ारा, और वो सामने वाला झरना जो अभी हम गए थे वहाँ सारे लोग नहा रहे थे वहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो। गाइस ये रहा ट्रैक, यहाँ से जाना है नीचे उतर के और ऐसे ऊपर आना है। सो गाइस यहाँ से मैं कूद कूद के आ चुका हूँ, ये देखो यहाँ से कूदना है इतना मस्त जगह से। ये देखो जगह, रास्ते ऐसे हैं, इसलिए बोला था फैमिली वहाँ तक नहीं आ सकती, साले कपल सूट चल रहा है। सो भाई चलो, ये देखो गाइस ये भाई को देखो कहाँ बंदरों की तरह चढ़ा है। भाई लोग आओ जल्दी, डर तो नहीं लग रहा है, आगे शेर मिलेगा। हाँ चलो मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं जहाँ हमको आना था, और बाकी अब दिखाते हैं। Oh, oh, oh.
भाई लोग नहा लिए और अब भाई देख सकते हो बहुत मस्त है यहाँ से झरने का व्यू। अभी चलते हैं यहाँ से और नहाते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो गाइस अभी नहा लिया हमने, ये झरना दिख रहा है, अभी चलते हैं वापस, यहाँ कोई भी नहीं है जाले झरने के पास। मजा आया? हाँ बिल्कुल। तो भाई सब नहा के और भी खा के चलते हैं ऊपर। भाई इधर छोटा सांप दिखा था, पता नहीं कहाँ गया। भाई आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, रास्ता देख रहा हूँ मैं आगे जाके, उसको भी नहीं पता। भाई पूरा क्लियर रास्ता है ऊपर तक का, जाना कहाँ से ये नहीं समझ आ रहा, इधर से ये तो गुफा दिख रही है। अब यहाँ से बना तो है रास्ता टाइप का, चलते हैं भाई सुपर। अरे आ जाओ, कम एयर। तो सही जा रहे हैं हम, कैमरा मैन मेरे पीछे आओ। सो गाइस मैं यहाँ तो मैं तो चढ़ गया हूँ, ये लोग देखते चढ़ पाते हैं कि नहीं, इनके बस की है कि नहीं, मुझे पता है नहीं चढ़ पाएंगे, मुझे पक्का पता है। तो फाइनली सही जगह आ गए हम, घूम पता नहीं कहाँ कहाँ से। अब थोड़ा सा और बचा ऊपर, चलते हैं। ये लोग अभी भी नहीं आ पा रहे, देखो पूरा फंस गए भाई, तोड़ दो पूरे पत्ते फिर आ जाओ। सो गाइस टॉप पे आके ऐसा लगता है पूरा व्यू, और उधर कहीं जंगल में घूम रहे थे हम, यहाँ से ऐसे ऐसे आए, और ये लोग देखो अभी भी नीचे फंसे हुए हैं। मेन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी। अब ये देखो कैसे चढ़ेगा भाई, नहीं चढ़ पाएगा वो, चढ़ गया। आ जा भाई, और ये देखो ये कहाँ बैठ गया जाके। तो अभी आपने देखा हम वहाँ वाले वो वाले वाटरफॉल से आए, और एक इस साइड है वो आपने नीचे से देखा होगा, यहाँ से नहीं दिखेगा। तो ये वाला हमने कवर किया, वो वाला और एक उधर है, लेकिन वो बहुत अंदर है, हम वहाँ नहीं गए, ये वाले गए थे। यहाँ गर्म पानी आ रहा है ये, और यहाँ ठंडा। अभी चलते हैं, सारा कुछ देख लिया, और ये अपने भाई लोग आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे देखो भाई, चिल, बहुत सारी जगह है यहाँ, आप नहा सकते हो, मजे कर सकते हो इस हरियाली के बीच। गाइस अभी हम सब हो चुके हैं रेडी जाने के लिए चेंज करके, तो अब चलते हैं घर की ओर। यार रुमाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपने सभी भोपाल के दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो लोग भी इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएँ इस सीज़न के अंदर, इस मानसून के अंदर, और मज़े कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। तो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको भी कोई ऐसी जगह पता है भोपाल के अंदर हिडन प्लेस, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम हम उसको भी कवर करेंगे।